मीठा खाने का मन कर रहा है और डायबिटीज़ भी हो गई है आपको, तो चलिए जान लेते हैं आपको और कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन हैं आपके पास। देख रहे हैं आप जीवन आयुर्वेदा, नमस्कार, मेरा नाम है मेघा। गलत लाइफस्टाइल और ख़राब खानपान की वजह से आजकल डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अकेले भारत में 8 करोड़ लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं और 2030 तक ये आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास हो जाएगा। डायबिटीज़ के मरीज अगर ज़रा सा भी मीठा खा लें तो उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें मीठे से परहेज करना बताया जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो भाई ये 5 चीज़ें आप खा सकते हैं, इनसे आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। बनाना आइसक्रीम, आपका मीठा खाने का बहुत मन है तो आप बनाना आइसक्रीम खा सकते हैं। केले में मुख्य रूप से फाइबर होता है, ये शुगर अवशोषण को स्लो कर देता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं अगर डायबिटीज के मरीज रोज एक केला खाएं तो 1 महीने में ही ब्लड शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी। सेब, आपने बचपन से पढ़ा होगा एक सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, यानी एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने की वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता। तो आप डायबिटीज के पेशेंट है, मीठा खाने का मन कर रहा है तो कट सेब खा लें। नाशपाती, डायबिटिक पेशेंट्स नाशपाती भी खा सकते हैं, ये फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। नाशपाती ब्लड में शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। अंगूर, डायबिटिक पेशेंट्स को अंगूर भी खिलाया जाता है, ये हेल्दी और फाइबर से भरपूर होता है। लाल अंगूर तो गजब का असर करते हैं और मीठे भी होते हैं। डार्क चॉकलेट्स, कुछ नहीं खाना तो आजकल आप डार्क चॉकलेट भी इंटेक कर सकते हैं। डायबिटिक हैं, मीठा खाने की तलब हो रही है तो डार्क चॉकलेट खा लें, काफी हेल्दी होते हैं। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड कंपाउंड होता है, ये आपके इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है। तो अब आपको पता लग गया कि अगर आपको डायबिटीज है आप कौन कौन सी चीज़ों को खा सकते हैं। लेकिन हम आपको फिर भी यही सजेशन देंगे कि आपके डॉक्टर्स जो आपको कहते हैं वो आप बिल्कुल करें। इन चीज़ों के बारे में भी अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अगर उनको ठीक लगे उनकी सलाह लेने के बाद आप ये चीज़ें खा सकते हैं। नमस्कार।